एक मेंढक जो है एक कुएं में है और वो रोज 5 फुट चढ़ता है और 5 ही फुट नीचे गिर जाता है, तो बताओ कुआ कितने दिन में चढ़ जाएगा। अब कहानी को पलट दो, एक मेंढक है और कुएं में रोज 5 फुट चढ़ता है और 4 फुट नीचे खिसकता है, तो बताओ कितने दिन में चढ़ जाएगा। 20 फुट कुआ है, हैं बताओ कितने दिन में चढ़ेगा पैसेंजर जी। अरे हेलो भैया, हम एक सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बताओ बेटा, तुम क्या IAS क्या की तैयारी कर रहे हैं? हैं वेरी गुड, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट। अरे 16 दिन में चढ़ेगा, 15 दिन में 15 फुट चढ़ेगा, और जब अगले दिन मारेगा छलांग तो 5 फुट में सीधा 20 फुट समझ में आया। तो श्री गुरु कहते हैं अगर तुम धीरे धीरे भी चलो लेकिन दिन भर मध्यम मध्यम तत्व विचार करते रहो, थोड़ा थोड़ा भी तत्व विचार करते रहो, पर द्रव्यों में तन्मय नहीं हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन वो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, कि आपने सुबह बढ़िया तत्व चर्चा सुनी समझी, लेकिन आप बाहर जाके बिल्कुल ऐसे भूल गए, ऐसे कुछ सुना ही नहीं, विषय कषायों में बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो गए, बिल्कुल एकदम डूब गए। अब फिर अगले दिन आए तो पहले दिन का सब साफ हो गया, अब अगले दिन फिर सुनो। इसलिए अपन है तो सही रास्ते पर, बस ये जरा सा परद्रव्य का तन्मयपना छोड़कर वेद ज्ञान में विशेष उपयोग लगाएं तो अभी जितने जीव यहाँ बैठे हैं सबको सम्यक दर्शन हो जाए। ये टोडामल जी अपने कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि तुम गलती में हो, वो तो ठीक, लेकिन क्या है कि बस गहरे तत्व विचार में नहीं करते। देखो सब ऊपर से जोड़ लेना है, इसको जुड़ा हुआ है। जैसे देखो जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, ठीक है, तो ये माननी चाहिए ना, सही बात है ना, बिल्कुल। अन्य मतियों को मानेगा तो मां मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, जीवादिक के नाम सीखता है, भेद सीखता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, सीखना ही चाहिए, क्योंकि तो ये समझोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। फिर क्या करते हैं, ऐसा तत्व श्रद्धाल होता है, ऐसा कि 7 तत्व हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, अन्य धर्म में सच्चाई नहीं है, ये सब कुछ है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धा। अब यहाँ से लाइन है, यहाँ तक है वो सही, बिल्कुल गलत नहीं है वो श्रोता। उस श्रोता की अब गलती क्या है कि वो यथार्थ भाव भाषण का पुरुषार्थ नहीं करता, बैठ के शांत होकर, और ये एक दिन की बात नहीं है, एक एक विकल्प में अभ्यास करना पड़ता है। आपको यहाँ विकल्प आया और यहाँ भेद ज्ञान की धारा आनी चाहिए, यहाँ एकत्व आया और यहाँ एकत्व तोड़ने का तुरंत निषेध आना चाहिए, यहाँ राग पैदा हुआ और ये राग मैं नहीं हूँ ऐसी धारा, समझ में, बिल्कुल तुरंत। जैसे समझ लो गेट पे तुमने चौकीदार बैठाया तो शांति से बैठा है वो अपना, तो आपको क्या लगता है, देखो बिल्कुल शांति से बैठा है, लेकिन नहीं, वो अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक जगह बैठा, कभी कोई एंट्री करके देखे गेट के अंदर उसका काम दिखेगा, वैसे तो बैठा है शांति से अपना, लेकिन जैसे ही कोई गेट के अंदर एंट्री करेगा तुरंत अलर्ट हो जाएगा, बोलिए किससे काम है, कहाँ जाना है, मुझे अंदर जस्ट आपसे मिलना है, ऐसे नहीं मिल सकते, तो समझ में, वो एक्टिव है ना। ऐसे ही ज्ञान एक्टिव रहना चाहिए, जैसे ही आप परद्रव्य में एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व हो तो ज्ञान तुरंत गए, कौन कहाँ एकत्र हो रहा है, कौन हो भाई साहब, ऐसा। वो कहते हैं यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। और यथार्थ क्यों नहीं होता, क्योंकि सुनता है समझ, कई लोगों के प्रश्न है, हम इतना प्रश्न सुनते हैं साहब, समझ में तो सब आता है, बढ़िया लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, घर गृहस्थी कुछ नहीं करती, घर गृहस्थी किसी का सम्यक दर्शन नहीं रोकती। जब जीव को नरकों में सम्यक दर्शन होता है तो घर गृहस्थी में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। अरे आप जानते नहीं, महिलाओं को बहुत काम रहते, नरकों से ज़्यादा नहीं रहते, नारकियों की दशा पता है तुम्हें, इतनी सांस लेने जितनी अनुकूलता नहीं है नरकों में। एक सेकंड देखो, जब जन्म हुआ तीतंकर का तब नरकों में थोड़ी थोड़ी एक दो समय की साता होती है, 1 मिनट नहीं है,
चंद सेकंड, बिल्कुल दो चार सेकंड की, बस उतने में कई जीवों को ये शांति क्यों हुई? तो अपनावधि ज्ञान से लगाया, तीर्थंकर का जन्म हुआ, ओ मैं ऐसे नरक में आ गया, तुरंत सम्मेलन हो गया, ऐसे होता है। समझ में? वहाँ तो 24 घंटे मार काट मार काट, मैं कह रहा हूँ सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ध्यान करने की तो बहुत दूर की बात है। समझ में? वहाँ तो ऐसे खड़े नहीं होने देते, तुरंत मारते डंडे, तुरंत काट पीट चल रही है। वहाँ पर जीव सम्यक दर्शन लेता है और अपन कहते हैं कि गृहस्थी है, काम है, ये नहीं भाई, तेरे को अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, ऊपर ऊपर रुचि धगस नहीं है। समझ में? सामान्य रुचि है, सामान्य रुचि माने स्वाध्याय सुनने मिल गया तो सुन लिया, नहीं सुना, कभी तत्व विचार कर लिया पर 15 दिन पता ही नहीं है कि क्या किया, कभी पूजा कर ली फिर पता ही नहीं है, महीनों पता ही नहीं है क्या है, कभी ग्रंथ उठा के पढ़ लिया फिर पता ही नहीं है। तो ऐसे जीव को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के लिए जैसी गहरी रुचि चाहिए वैसी रुचि हो तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लोग में कोई भी काम हो, एक बार बताओ, कोई व्यापार करो और 15 दिन में फैक्ट्री जाओ, 10 दिन में जाओ, पार्टियों के हिसाब पे ध्यान नहीं दो, कितना माल आया कितना गया ये सब वही खाते मेंटेन नहीं करो, तो कितने दिन व्यापार चला लोगे बताओ? नौकरी करते हो किसी की, सरकारी नौकरी करते हो, कभी जाओ कभी नहीं जाओ, पहुंच गए तो कितने दिन तुम्हें सरकार रख लेगी? प्राइवेट वाले के कोई नहीं रख सकता ना, जगत में कौन सा चलता? भोजन है, कभी बना लिया कभी छोड़ दिया, कभी बर्तन पड़े हैं कभी झाड़ू लगा रहे, तो घर का क्या होगा? तो ऐसे ही आक्रम से बिना क्रम के कभी भी पूजा कर ली, कभी स्वाध्याय कर लिया, कभी किसी का वचन सुन लिया, कभी किसी का वचन सुन लिया, कभी कोई बात सुन ली, कभी कोई बात सुन ली, ऐसा जीव अगर ऐसा माने कि उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और हमारे पास बहुत काम है, हम इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं, हमें अभी सम्यक दर्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें उतनी गहरी रुचि नहीं, वरना नरकों में सम्यक दर्शन हो जाए तो अभी तो बहुत अनुकूलता है, है कि नहीं है? सब दिल्ली में बहुत दिक्कत है, तो दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली में तुम्हें बहुत लगता है ना है कि बहुत बहुत कुछ है साहब, यहाँ कहाँ सम्मेलन होता है, तो छोड़ दो ना, सम्मेलन जरूरी कि दिल्ली में रहना जरूरी है? सम्मेलन जरूरी है ना, और तुम्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली के कारण रुका है तो जल्दी भागो, दिल्ली छोड़ो, क्योंकि दिल्ली में कुछ नहीं है, सम्मेलन तो अनंत सुख का कारण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपना दोष दूसरे पर डालता है, उसको ऐसा लगता है मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इन परिस्थितियों में, जैसे परिस्थिति किसी और ने बनाई हो, परिस्थिति किसी और ने बनाई क्या है? शादी तूने करी, बाल बच्चे तूने करे, है कमाने की तूने सोची, धन तुझे चाहिए, करोड़पति तुझे बनना है, लखपति तुझे बनना है, प्रतिष्ठा तुझे चाहिए, है क्यों? और फिर कहता है कि क्या करूं मेरी परिस्थिति ऐसी है। अरे भैया परिस्थिति तूने खुद बनाई है, क्योंकि तुझे संसार की बहुत रुचि है, नहीं समझ में? बोलो अरविंद जी, है ऐसा थोड़ी होता है, निर्णय करने पड़ते हैं। अरे देखो, जब हम जयपुर में पढ़ते थे और जब हमारा फेयरवेल था, विदाई समारोह लास्ट मोमेंट था, तब मैं बोला था वहाँ कि मैं अपने जीवन में यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ, जहाँ भी रहूँगा या तो प्रवचन करूँगा या नियम से प्रवचन सुनूँगा, लेकिन बिना प्रवचन के बिना स्वाध्याय के मैं रहूँगा नहीं, चाहे उसके लिए फिर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े। समझ में आए कि नहीं आए? और दिल्ली आ गया तुम्हारे, हम भी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज तक कोई नागा नहीं हुआ हमारा, 16-17 साल हो गए हमें, और हमें खूब ऑफर मिलते हैं, ये व्यापार बढ़ा लो और केबल की मशीन लगा लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जैसे ही भाव आते हैं तुरंत अंदर ये भाव तुरंत आता है कि अगर ये कर लिया तो स्वाध्याय तत्व सब छूट जाएगा, तो चुनाव करना है ना तुम्हें, क्या करना है बोलो, करो चुनाव। प्रकृति ऐसा नहीं है, तुम्हें सब मौके देती है,
कभी मत कहना कि हमें, तुम अपनी रुचि से अपना चीज सुनते हो। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। मैंने स्वाध्याय चुना, मैंने तत्व चुना तो मुझे तत्व मिला, किसी ने पैसा चुना तो पैसा मिला। आप देखो आपको क्या चुनना है, ये तो आप संसार चुनो या मोक्ष चुनो, ये आपको फैसला करना है। अभी हमने संसार चुन रखा है क्योंकि हमें संसार में सुख दिख रहा है। अगर हमें निर्णय हो जाए कि संसार में सुख है ही नहीं, तो गारंटी से तत्व विचार आदि में उपयोग लगेगा। लेकिन अभी संसार में इतना रस है, इतना रस है। और कई लोगों को क्या लगता है, हम स्वाध्याय बाद में करेंगे, अनुकूलता बन जाए। जिनकी ऐसी मान्यता है वे कभी स्वाध्याय ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार में अनुकूलता बनती नहीं है, अनुकूलता बनानी पड़ती है। अभी कल मैं किसी के पास गया तो वो शाम को भोजन कर रहे थे। हमने कहा क्या बात है, आज शाम को भोजन कैसे कर रहे हैं? बोले 10 लक्षणी लग गई ना, श्वेतांबर थे ना किसी पार्टी के पास। तो मैंने कहा अच्छा आप श्वेतांबर जैन हैं, शाम का भोजन कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी बोले बाकी तो रात में करते हैं। हमने कहा 365 दिन क्यों नहीं कर सकते दिन में, अभी 10 दिन कर सकते हो दो। तो बोले अभी तो कर लेते हैं, बाकी फिर चलता नहीं। चलता नहीं तो फिर अब 10 दिन कैसे चलता है? अभी 10 दिन लोग क्या क्या छोड़ देंगे, जो जो भी है। अब अपन ज़्यादा नाम नहीं लेते। तो भाई 10 दिन तुमने उसके बिना रह लिया तो 11वें दिन क्यों नहीं रह सकते? लेकिन सच्ची बात है कि 10 दिन के लिए चुना था, 10 दिन के लिए निर्णय किया था कि 10 दिन नहीं खाना है। ऐसा जो जिंदगी भर के लिए निर्णय कर ले वो जिंदगी ऐसे ही स्वाध्याय है। तत्व अब 10 लक्षण आएंगे तो बहुत भागेंगे। लेकिन जैनियों के धर्म, जैनियों का धर्म दिनों का धर्म नहीं होता, कोई पर्व विशेष पर धर्म नहीं होता। अपना तो धर्म वस्तु का स्वभाव है और वो 24 घंटे 365 दिन रहता है। नमक कौन से दिन खारा रहता है और कौन से दिन खारापन छोड़ता है, बताओ? जैसे वस्तुएं त्रिकाल अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ और जानना देखना मेरा स्वभाव है और यही मेरा धर्म है और इसे मैं त्रिकाल नहीं छोड़ता। समझ में आए कि नहीं? तो यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि भैया जिन वचन अनुसार करता तो सब ठीक है, लेकिन गलती क्या है कि गहरा तत्व विचार नहीं करते, ये चर्चा है। अब देखो, तथा इन लक्षणाभासों में, जोड़ लिया ना ऊपर से, ठीक है, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, कि नियम है मतलब ऐसे करना, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। लेकिन ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, वे क्रम को भंग करते हैं और केवल आत्मा का चिंतन करते हैं। उनसे पूछो आस्त्रवादी की बात, सात तत्व की बात, देवशास्त्र गुरु की बात, तो वो कहते हैं उनसे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा हूँ, आह जानना देखना मेरा स्वभाव है। कहते राग आदि भाव ये मेरे से भिन्न है, समझ में, और भिन्न कह के छुट्टी कर देते हैं। जबकि वो राग आदि जो आश्रव भाव हैं वे दुखरूप लगने चाहिए और वे दुखरूप तो लगते नहीं। तो जब राग आदि भाव दुखरूप नहीं लगेंगे तो भिन्न कहने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, फिर उसी में लगा रहेगा। तो फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, तो एक क्रम है, इस अनुक्रम से साधन करे। तो देखो क्या कहते टोडामल जी, करे इस क्रम से तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव, अब हम ही तुम जीवों में से, ये रोज अपन जो स्वाध्याय में बैठते हैं, जिनकी होनहार भली होगी वो इसी क्रम से चलेंगे और एक दिन गहरे तत्व विचार में उतर जाएंगे, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी।